हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। इस चैनल पे मैं बुक्स के बारे में बताता हूँ, नॉवेल की रिव्यू करता हूँ, बुक्स की रिव्यू करता हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह बुक लवर हैं तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए। रिसेंटली मैंने फेसबुक पर भी पेज बनाया है, नीचे आपको शो हो रहा होगा नाम, तो आप वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। ब्रेन, दिमाग, माइंड हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे डिसीजन, हमारे थॉट्स, हमारी मेमोरी, ये सारी चीज़ें सही से फंक्शन कर रही हो, इसमें ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट हमारे डेली रूटीन में भी ब्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस बात को समझना कि ब्रेन एक्चुअली में काम कैसे करता है, उसके नेचर क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये जानना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस बुक को पढ़ने के बाद जहाँ तक मुझे समझ में आया कि हमारे माइंड दो नेचर के होते हैं, सबकॉन्शियस नेचर एंड कॉन्शियस नेचर, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड के बारे में जहाँ तक मैंने इस बुक से समझा है, मैं आपको बहुत ही कॉमन एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सभी ने मुन्ना भाई MBBS जरूर देखी होगी, उसमें दो कैरेक्टर होते हैं, मुन्ना भाई एंड सर्किट। मुन्ना भाई और सर्किट के पास जो भी काम आता है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल है, उसे करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन मुन्ना भाई का होता है। मुन्ना भाई ने अगर एक भी बार ये डिसीजन ले लिया कि इस काम को करना है, फिर वो काम कितना भी गलत क्यों ना हो, सर्किट उस काम को जरूर करता है। इस वजह से एक बहुत ही फेमस डायलॉग भी फेमस हुआ था कि भाई ने बोला है ना करना है मतलब करना है। सेम नेचर सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड का भी होता है। हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसमें जो डिसीजन फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। हम जो भी डिसीजन लेते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। लेकिन एक बार वो बात जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है तो वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद होने लगती है। एक और बहुत ही कॉमन एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना अलार्म लगाए हुए सुबह में उठने की आदत होती है। वो अलार्म नहीं भी लगाते हैं फिर भी 6 बजे उनकी आँख अपने आप खुल जाती है, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जाके बैठ जाती है कि मुझे 6 बजे उठना है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली होने लगती है। जहाँ चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव होती है वहाँ निगेटिव भी होती है। सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं देखता कि आपके लिए वो चीज़ें पॉजिटिव है या आपके लिए वो निगेटिव है, आपने उसको एक्सेप्ट किया है फिर वो चीज़ें खुद ब खुद होगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ें पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहे हो या निगेटिव एक्सेप्ट कर रहे हो। कई सारे लोग आपके आसपास में होते हैं जिनका बिलीफ सिस्टम एकदम ही निगेटिव होता है, उनके आसपास कई सारे पॉजिटिव चीज़ें हो रही होती है, कई सारे खुशी वाली चीज़ें हो रही होती है, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम इतना निगेटिव होता है कि उन्हें कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं दिखती है, सब कुछ गलत दिखता है। तो ऑथर इस बुक के थ्रू आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे आप अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करके, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके, आप अपने लाइफ के सही एक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हो। सी आई एम श्योर कि ये 200 से 300 पेज की बुक हमारे पूरे माइंड को डिस्क्राइब नहीं कर सकती, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है हमारा माइंड, पर इस बुक में कई सारे ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं कि कैसे लोगों ने अपने माइंडसेट को ठीक करके, अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करके, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके पैरालिसिस, कैंसर, ऐसे कई सारे डेंजरस बीमारियों से निजात पाया है। अपने कई सारे बैड हैबिट्स को उन्होंने इसी बिलीफ सिस्टम से ठीक किया है। मुझे पता है कि इस बुक के सारी बातों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, पर इस बुक को पढ़ने के बाद कई सारे ऐसी बेसिक चीज़ें मुझे लगी जो मुझे लगा कि यार एटलीस्ट ये चीज़ें तो अपनी लाइफ में होनी ही चाहिए। तो आपको इस बुक को पढ़ने के बाद कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने बुक को अभी तक नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। खरीद के पढ़ के मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा चीज़ ऐसा है जो इस बुक में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।